बार मना किया है तुझे बावर्ची खाने में काम मत किया कर। अम्मी अब तो आप खुद देर लगा देती है, मेरी भूख जो लग रही थी। चल हट हट यहाँ से। बुखार है? कैसे हुआ बुखार तुझे? पता नहीं अम्मी। चल अच्छा हुआ तू आ गई। जिम्मी चाचा को बताकर आए। अम्मी कल से मैं जिम्मी चाचा के पास नहीं जाऊंगा। क्यों? कुछ कहा जिम्मी चाचा ने? नहीं अम्मी, जिम्मी चाचा तो बहुत अच्छे हैं, बस मैं कल किसी दूसरी जगह अखबार बेचूंगा। दूसरी जगह? कुड़ैला था तुझे? पता नहीं जो मान रहे थे। हाँ कोई बात की तरफ से भाईजान, ये लीजिए आज का अखबार। क्या बात है भाईजान, आज तो आपको बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। नहीं भाई, उनको क्या हो गया? क्या बात है उसे? पाकिस्तान आए हैं, तो तुम्हें तैयारी करनी शुरू हो गए। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, असल मेरी तबीयत खराब है, तुम चाय लो। शुक्र ले जैसे रात भर सोनी, नाश्ता करके डॉक्टर से कंसल्ट करना। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दफ्तर का टाइम 9 बजे है और आप लोग अभी तक तैयार नहीं हैं, क्या बात है? अब पहले की तरह हो जाए अर्शद साहब, 6 महीने बहुत है यूरोप की सैर के लिए। मैं अकेला 2 दफ्तरों का काम नहीं संभाल सकता। सॉरी सर, मेरी तबीयत खराब है, मैं आज तक नहीं जा सकूंगा। और आप इनको डॉक्टर के पास ले जाइए। नहीं डैडी, ये खुद चले जाएंगे, मैं दफ्तर देखूंगी जाकर। ये आप दोनों फैसला कर लें, लेकिन मैं अपने असूलों पर कायम रहूंगा। हर काम के लिए एक वक्त और हर वक्त के लिए एक काम, समझे? खुदा हाफिज़।
क्या सोच रहे हैं अर्शद? कुछ नहीं, सीए की डॉक्टर के पास जाऊंगा और डॉक्टर से अपने दिमाग के बारे में भी जरूर मशवरा कर लीजिएगा। हम उसको बहुत पूछा, बहुत पूछा, जमाल क्या बात है, हमको कुछ बताया ही नहीं। हाँ ये जरूर बोला कि जिन्नी चाचा हम कल से अखबार नहीं बेचूंगा। हमने उसको बहुत समझाया, बहुत समझाया, पर वो मानी नहीं। जिन्नी साहब, जमाल आपको जब भी मिले ना, खुदा के वास्ते आपसे उससे ना उसके घर का पता जरूर ले लीजिएगा। अभी आप क्या बोलता है साहब, कुछ पता तो पड़े, तुम काहे को पूछता है उसको। दरअसल मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगर आप जमाल से उसके घर का पता जरूर मालूम कर लीजिएगा, मैं फिर आऊंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। कौन है भाई, क्या बात है? सलाम अलैकुम बीबी साहब, मैं हूं अर्शद, पहचाने नहीं आपने मुझको? बड़ी अच्छी तरह से पहचानता हूं तुम। वो जिमी चाचा, अब वो जमान हुआ करता था ना, यहाँ पर रहता था, सुना कई अखबारें भेजता। क्या ये महिला छोड़ दी उन्होंने? तुमने उन्हें छोड़ा तो वो ये महिला भी छोड़ के चले गए। सुना है किसी कच्ची बस्ती में है। आप या किसी और को यहाँ मालूम है कि उनका पता क्या है, घर कहाँ है उनका? उन्होंने किसी को पता तो नहीं बताया, बस खामोशी से चले। वैसे तुम तो जमाल का ऐसे पूछ रहे हो जैसे बड़ी मोहब्बत हो उससे। डैडी खाना लग गया है। आखिर पता तो चलना चाहिए, अशुभ गया था। आप क्यों परेशान हो रहे हैं डैडी? डॉक्टर से बात तुमने खुद की थी? जी वो वहां भी नहीं गए। मालूम करना चाहिए, हो सकता है उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें कहीं से टेलीफोन तो करना ही चाहिए था। बात करी ये कैसी तैयारी है इस पर? जब से शादी हुई है बस यही हालत है। वेरी बैड। आई एम सॉरी सर, यू लुक स्ट्रेट। मैं अब कैसे तबियत है? जी नहीं, नहीं गया ना। तो फिर कहां थे सुबह से? बस यूं ही घूम रहा था। तो चले, तुम्हें क्या मुश्किलात? आखिर तुम क्यों परेशान? अगर तुम्हारा माजी तुम्हें परेशान कर रहा है तो उसने सोनी का क्या कसूर? माजी को याद करके अपने हाल को क्यों तबाह कर रहे हो? तुम्हें मालूम है मैं सोनू को परेशान नहीं देख सकता। अपने आप को बदलने की कोशिश करो।
अगर इस शहर में फैशन का मुकाबला हो तो कुछ जैसा शख्स नहीं मिलेगा। मेरे अंदर तेरा ही तंगी जुमला मैं रोज सुनता हूँ। तुम भी तो रोज एक से एक नया लिबास पहन कर आते हो। भाई मेरे बात लिबास के लिए होती, बात होती है शख्सियत की, ऐसी चीज होती है शख्सियत। जस्ट मोमेंट, मैं सोच रहा हूँ कि इस एड में ना मैं एक हल्का सा टीजर कटाशती हूँ। वो कैसे? तो ऐसे कि इन दो तस्वीरों से बिल्कुल पता ना चले कि प्रोडक्ट क्या है। और जो तीसरी तस्वीर हो ना, उसमें प्रोडक्ट जो है ना वो भरपूर अंदाज से सामने आए। आई थिंक इट्स एन एक्सलेंट आइडिया। यू लाइक इट? तुमने डिग्री जो है ना वो फाइन आर्ट में ली, कमर्शियल आर्ट में भी तुम्हारा जवाब लिया। मैंने बात दरअसल ये है कि जो आप स्टोरी है ना, बस ये आबाद होनी चाहिए, फिर कोई काम मुश्किल नहीं है। अपनी कंपनी खोलूंगा ना, सबसे पहले तुम्हें ही बुलाऊंगा। बड़ा जम के काम करूंगा। कब चलेंगे? तुझे मालूम है पैसे वैसे की तो कमी है नहीं अपने पास। अगर ऐसे काम या और सीख लो, और वैसे भी आदमी को जब तक ट्रेड सीक्रेट मालूम ना हो उसे बिजनेस नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। हम तो यार ऐसे है कि हम भी कभी पैसा देखें। सही आउटलाइन तैयार करेंगे ना तो इधर तस्वीर में रंग भरा और इधर पैसे पैसा। वो कैसी तस्वीर होगी? किसी करोड़पति बाप की बेटी से चक्कर चला, किसी बड़े घराने में शादी कर। अरे बेटा ये तो अबू तेरे लिए अभी साइकिल लाए। इंशाल्लाह तेरे लिए बाबू ने इतनी बड़ी गाड़ी लेके आएंगे, बहुत बड़ी से है, और फिर दोनों बैठ के घुमा करेंगे। ठीक है सुबह रंग की का? ठीक है सुबह रंग की, बल्कि ऐसा करना तुम खुद चल के पसंद कर लेना, जो पसंद है ले लेना। वैसे अम्मी आप कह रही थी अबू के पास पैसे नहीं है। तो तुमने बच्चे के सामने ऐसी बातें की? बच्चे के सामने मकानदार किराया मांगने आता है, धोबी आता है, दूध वाला आता है, तीन महीने का बिजली और गैस का बिल है। फसल खर्ची कब छोड़ेंगे? क्या मतलब? क्या करूं है? क्या करूं? चोरी करूं? डाका डालूं? तुम तनख्वाह ना और क्या हो? तनख्वाह कम नहीं है, तुम खर्च गलत करते हो। अच्छा तो अब आप मुझे बजट बनाना सिखाएंगे। मिसिंग बेगम आपकी दिला की याद है कि यह कितना बड़ा शहर है, आपका छोटा सा गांव नहीं है कि आदमी शलवार कमीज से जिंदगी गुजारते। तुम तो मुझे जरा जरा की बात पर गांव का ताना क्यों देते हो? इसलिए कि आपका ताल्लुक वहां से, अगर आपका ताल्लुक शहर से होता ना तो आप भी कहीं नौकरी कर रही होती, कुछ ला रही होती घर में। ठीक है मैं भी नौकरी कर लेती। अरे रहने दे, क्या करेंगे, घरों में झाड़ू देंगे, बतंगा देंगे? मेहनत कोई ऐप तो नहीं? शिकार बताइए मेरे दिमाग मत खा, जाओ। नहीं देखो मैं सुनी है, तुम्हें कितनी दफा कहा कि मुझे ये बेहूदा और फर्सूदा किस्म की बातें बिल्कुल पसंद। जमाल अबू को खाना ला कर दो। अबू जी बेटे, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो मेरी ये सभी वापस कर दे। अब तो मुझे गुस्सा आने लगा, ये बड़े बड़े घर, ये लंबी लंबी कारें, ये तमाम लोग क्या खानदानी रईस होते हैं? नहीं नहीं कृष्ण साहब, उससे बताता हूँ। ये जो पैसे वाले लोग होते हैं ये दो खस्म के होते हैं, एक तो होते हैं खानदानी रईस मेरी तरह, और दूसरे होते हैं खानदानी जहीन जो पैसा कमाने का कोई मौका से नहीं जाने देते थे। अब ना तू रईस है और ना तू जहीन है, तू सिर्फ खानदानी है। पैसा क्यों खा मखे बात जाया करे, नौकरी कर नौकरी कर। आप सबको एमपी साहब बना रहे हैं? चल जल्दी। एमपी साहब खुद क्यों चले आते हैं हर वक्त? यार कोई जरूरी काम होगा।
तुम भी चल रहे? नहीं, ये लो। आओ सर। आयो इस्लाम, प्लीज सिट डाउन। ये अर्शद साहब से नहीं कहा आपने? नहीं सर, मैंने उनसे कह दिया था। वैसे ये अर्शद साहब हैं बड़े मूडी आदमी, मैं खुद देखता हूँ ना। मैंने आप सब हजरात को अपनी बेटी सोनी से मिलवाने के लिए तकलीफ दी है। सोनी हाल ही में यूरोप से वापस आई है। इन्हें एडवर्टाइजिंग का तो नहीं अलबत्त बिजनेस का थोड़ा बहुत तजुर्बा है। मैं ये चाहता हूँ कि आपसे मिलकर कुछ सर। मैंने कितनी देर पहले बुलवाया था जी, तो फिर आप आए क्यों नहीं? मसूर था सर, दफ्तर के वक्त में आप सिर्फ दफ्तर के मुलाजिम हैं, यू अंडरस्टैंड? सर मैं दफ्तर के वक्त में दफ्तर ही का काम कर रहा था। ये आपका सबके साथ ये रवैया, यही अंदाज? जी अरे सुनिए डैडी, आप कुछ भी कुछ थैंक। हाँ तो मैं चाहता हूँ कि बना ना देख, मैं सोच रहा हूँ उसको प्रिंटिंग में आज मैं थोड़ा डिफ्यूज कर दूँ, बहुत अच्छा बनेगा, लेटर भी उभर आएगी यार। सुना है कि मिस सोनी अपने शोहर से तलाक ले कर आई। और तो बहुत कम लगती है यार महमूद, यूरोप में रहने वाले लोगों के लिए ना तलाक खुशहाली बिल्कुल इस तरह जैसे घर या गाड़ी बदलो, और घर या गाड़ी बदलने के लिए भाई साहब मेरे मन की कोई शिकायत नहीं होती। लड़की है बात कायदे की, ये बात तो है, लड़की है कायदे की, कम से कम अपने बाप से तो बेहतर है ना, वो बिल्कुल तकबर तो नहीं है यार। बदकिस्मत ही होगा जिसने छोड़ दिया इतनी दौलत की अकेली मालिक। यार हो सकता है कि वो इससे भी ज्यादा दौलतमंद हो, तो सकता है। जी जी आइए आइए, आपने तो जहमत की, हमें बुला लिया होता। अशोक साहब से काम है जी, बुला दी तो नाराज हो जाते, मेरा साथी काम। मैं जी समय इंटीरियर डेकोरेशन से कुछ इंटरेस्ट हुआ है? सोनी कौन सा ऐसा काम है जो उनको नहीं आता? हमने बिल्कुल सही शख्स का इंतखाब किया। रियली इन योर हार्ट? ऐसा है कि हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें आप कल ही से काम शुरू कर दीजिए। सर सोनी, मुझे लगता है कि आप भी अपने वादे के तहत हर आदमी को डिक्टेट करने की आदी हैं। बात ऐसी कि मेरे पास बहुत काम है, आप किसी और से करवा दीजिए। अरे अरे आप तो नाराज हो गए, शायद हमारे साथ खेला पसंद करेंगे ना, हम गाड़ी भेज दूंगे आपके घर। वो मेरे पास काम चूंकि बहुत है तो मैं दफ्तर ही होऊंगा। तो फिर शाम 6 बजे मिला सकते?
तेरे से उसने बात की? खुल के तो कोई बात नहीं की, लेकिन सर इतना तो अंदाजा है ना मुझे, वो बार बार मेरे मुताल पूछना चाहती है और मैं मजाक पर टाल जाता हूँ। कहाँ चलता हूँ? हालिया भाई, आपसे इतना कमजोर था आपका, तो कहाँ जाना था? मैं बिल्कुल भूल गया था। तो आप बता दीजिए कहाँ जाना था? वो आपके साथ एग्जीबिशन चल रहा है। चले शुक्र, कुछ तो याद आया। देखो बेटा, बात ऐसी ये कि तुम्हारे अब्बू जो है ना, वो आजकल एक बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, इसमें उनको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तो फिर हम आपके लिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए? क्या बोल रहे हैं, हम आपके लिए कोई अच्छी सी चीज ले आएंगे, ठीक है? इसे आपकी जरूरत है, दफ्तर के बाद कुछ तो वक्त दे इसे। अच्छा, तो ये आप हैं जो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। जमाल, देखो नसरीन, तुम अपना ये रवैया बदल डालो, समझी? जमाल अब बाहर जाओ, हम आपके अब्बू से बात करेंगे। जी अम्मी। अब बताओ। मैं क्या करूं? तुम बताओ क्या करना चाहती हो तुम, बोलो। देखो अर्शद, तुम रात को देर तक घर से गायब रहते हो, घर के मुताबिक कुछ बात करो तो दिलचस्पी नहीं लेते, हर से भी चाहता जा रहा है, कहो तो तुम्हें गुस्सा आता है। ला के रास्ते मेरे नहीं तो अपने बेटे जमाने का कुछ ख्याल करो। आपके ख्याल में मैं ये सब मेहनत किसके लिए कर रहा हूं? बोलिए, किसके लिए कर रहा हूं? लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, इसलिए कि मेरी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट तुम। अगर आज तो मेरे साथ ना होती तो मैं पता नहीं कहां से कहां होता। अर्शद, अल्लाह का शुक्र है हम बहुत सोचे अच्छे हैं, हम अब भी अच्छी हालत में हैं। ये तुम्हें एकदम अमीर बनने का भूत क्यों सवार हो गया? हमारी सबसे बड़ी दौलत जमाल है, इसकी तालीम के मुताबिक सोचो क्यों हम इतने सीधे चक्करों में पड़ते। नहीं सुनी मुझे तुम्हारी नसीहत? नहीं सुनी तुम्हें? मालूम है कि मैं नसीहत सुनने का आदि नहीं, ऐसा आंदा अपनी ये बकवास अपने पास। दिमाग का स्क्रू जरूर ढीला है। मगर वाटरमैन का अब तक कोई इलाज नहीं कर सका। चीज का इंतजाम कर लिया मैंने। really? तुम्हें कल डेडली हेड ऑफिस में बुलाया। तो मैडम, तुम्हारे डैडी से मुझे बड़ा डर लगा। मिस्टर, डैडी तुम्हें कुछ नहीं।
मैं तुमसे तुम्हारी जाती जिंदगी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछ सकता हूँ? जी। घर में और कौन कौन है तुम्हारे साथ? क्या सोच रहे हो? जी कृष्ण से वो फिलहाल तो मैं अकेला ही। और तुम्हारे वाले इंतकाल हो चुका है। शादी? जी हुई थी। हुई थी क्या मतलब? बात ऐसी हुई है कि मेरे वाले ने वो अरेंज मैरिज कर दी थी, तो बात बनी नहीं तो अलहदगी हो गई। यू मीन तलाक? तलाक। बस आर्टिस्टों के साथ यही एक प्रॉब्लम है। देखो बेटे, सोनी मेरे लिए सब कुछ है। राहुल और सोनी मेरे दो ही बच्चे हैं। सोनी को पिछले दिनों कुछ वजूहत के बिना पर अपने खावन को छोड़ना पड़ा। मेरा ख्याल है सोनी और तुम अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। वैसे भी राहुल अब छोटा है। मुझे भी एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो कारोबार में मेरा साथ दे, मेरा हाथ पड़ा है। क्या ख्याल है? सर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी इज्जत अफजाई है। गुड, आपके और सोनी की शादी पक्की। आप लोग कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाएं और वापस आकर अपना तमाम कारोबार संभालें। साथ दूर करो चेकबुक और अकाउंट को अपना समझो। एकदम अन्न पाने का भूत क्यों सवाल हो गया? कहो तो तुम्हें गुस्सा आता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो मैं भी ऐसा ही वापस कर दे। बच्चे के सामने मकानदार किराया मांगने आता है, धोबी आता है, दूध वाला आता है, 3 महीने का बिजली और गैस का बिल है। अच्छा फसल करती है कब छोड़ो? हमारी सबसे बड़ी दौलत जमा लिया, इसकी तालीम के मुताबिक सोचो क्यों उनके सीधे चक्कर में पड़ते हो। सोए विकल्प प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, क्या भी है कि नींद नहीं आ रही। देखो अर्शद, मैं बहुत खुले दिमाग की लड़की हूँ, तुम बगैर किसी हेजिटेशन के मुझे बता सकते हो। मैं हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं कह दिया ना कि कुछ नहीं। फिर एक काम करो। क्या?
तुम ड्राइंग रूम में बैठ के सोचो, मैं अनडिस्टर्ब सोना चाहती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि बेडरूम आराम के लिए और ड्राइंग रूम बैठकर सोचने के लिए। ठीक है। सुनो। क्या तो फिर तुमने अपनी पहली बीवी को डाइवोर्स दी है? याद आ रही है? अभी क्या बोलता है राम, तुम फिर आ गया। अब तुमको कितनी बार बोला, कितनी बार बोला, आपको जमाल का पता नहीं मालूम, नहीं मालूम। स्कूल का नाम नहीं मालूम? नहीं मालूम साहब। शायद मैं आपको खुल के बता ही देता हूँ, मैं दरअसल जुमान का बदकिस्मत बाप हूँ। तुम किसको बोलते हैं साहब, हमको तो पहले ही मुलाकात में पता था। पर एक बात बोलूं साहब, तुम बदकिस्मत हो या नहीं, पर तुम आदमी अच्छा नहीं हो। इंसान ठोकर खा के ही समझता है जुमान मेरे लिए क्या है। इसका अंदाजा मुझे जमा से दूर रह के हुआ है। जमा से बाहर एक पल भी नहीं रह सकता। खुद आपके वास्ते सिमी चाचा, किसी रास्ते मुझे जमा से मिलवा दीजिए, किसी तरह से। अभी क्या बोलता है साहब, तुम ऐसा करो अपना पता दे जाओ, जमा लाएगा तो हम तुमको इतला दे देंगे। हाँ सर। सलाम दीदी चाचा। वालेकुम सलाम बेटे। वालेकुम जमाल। तेरा अबू मुझे पहचाना नहीं? अच्छा जी चाचा, मैं बाद में आऊंगा। तुम अपने अबू से नाराज हो? तुम नाराज होना चाहिए, तुमसे गलती हुई ना। हम चल पिता जवाब बेटे जवाब दूंगी, ये तुम्हारे बाबा है, बुरी बात है बेटे। कर लो बात ना बेटा, कर लो। ठीक है, तुम अबू से बात नहीं करना चाहता, चलो तुम नहीं रोकेंगे। आपके नाम बाकी क्या रहता है? हाँ यहाँ पर दस्तखत कर रहे हैं। ये रजिस्ट्री लेने में क्यों आए? Thank you.
अम्मी सलाह क्या? कुछ नहीं बेटे, हमें हमेशा नहीं छोड़ दिया, हमेशा नहीं छोड़ दिया, तुम्हारे बोले नहीं छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। देखो अरशद, मैं कारोबारी आदमी हूं, नफा नुकसान को अच्छी तरह समझता हूं। मैं अब यह मजीद हरगिज नहीं चाहूंगा कि तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करो। गलती मेरी थी, नाली की ईद को चुबारे पे लगाने की कोशिश की थी और मैं नाकाम रहा। अगर तुम यहां रहना पसंद नहीं करते तो यह तुम्हारी बदकिस्मती है। किस चीज की कमी है इस घर में? खैर, कुछ दिन और सोच लो। मैं कह रही अब मैं उनके साथ एक मिनट नहीं रह सकती। मैं तो आसाब जवाब दे रहे हैं, मुझे इनकी सुर से नफरत हो गई है डैडी। ये किस तरह पागल हो जाएगा बेटे? पागल होने में क्या कसर रहेगी डैडी? लाख लाख मेरी तो किस्मत ही खराब है। आए हो यहां? कोई ताल्लुक तो है ना मेरे इस घर से? ताल्लुक तो तुमने उस वक्त भी नहीं रखा जब होना चाहिए था। ये तस्वीर आप भी? ये जमाल के बाप की तस्वीर है। यही ताल्लुक तो है हमारा। कमजोर हो गई हो नसरीन। हम गरीब लोग हैं, तुम्हारे पास तो इतनी दौलत है, तुम्हारे सिर पे क्या हुआ? मैं तो खत्म हो चुका हूं। माफी मांग
एक दफा बोल लिए। मेरी तरफ देख तो ले, मैं तेरा अब्बू हूं, मेरा अब्बू बोलो ना जमा, मेरे बेटे जमा जिसे बात कर, बोलो ना, बोलो ना जमाल, बोलो ना, बोलो बोलो। देखा देखा, तुम सच में रही नसी, तुम बात को उसके तुम्हारे गया थे उस पर नसी, मैं मेरे पास प्रश्नास नहीं है तुम्हारे लिए। इधर आओ, क्यों आए उस घर में? जी मैं समझा नहीं, सोनी के पास, सोनी यूरोप चली गई है। काफी मैंने आप सबको बहुत परेशान किया है। परेशान? तुमने अपनी नहीं हमारी जिंदगी भी जहन्नम बना दी है। खाका ज्यादा लोगों को खाने को ज्यादा मिल जाए तो वैसे हजम नहीं कर पाते। आप ठीक कहते, मेरा भी इन दीवारों में दम घुटने लगा है। अब इन दीवारों को छोड़कर हमें और जलील करोगे? मैं और राहिल भी कल जा रहे हैं, अब तुम अकेले सब टकराओ इन छतों से, इन दीवारों से। यही चाहते थे ना तुम? यह सब कुछ तुम्हारा है, टेक इट।
खिलौने, स्केट, साइकिल और आओ, कम ऑन, जल्दी आओ।